हाय एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है एएसएफ में एक पोस्ट होती है इंस्पेक्टर, बीपीएस 16 की पोस्ट होती है। आज की वीडियो में हम इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम डिटेल देखेंगे कि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इसकी अपॉइंटमेंट्स, कब एड्स आती हैं, कैसी जॉब होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ना, इंशाल्लाह आज इंस्पेक्टर एएसएफ से रेलिवेंट ये आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज डेली बेसिस पर इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो अभी सबसे पहले जब इंस्पेक्टर की हम बात करते हैं, इंस्पेक्टर को तीन पोल लगे होते हैं, बीपीएस 16 होता है, एफपीएससी के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है, डिपार्टमेंट खुद इसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकता। एएस जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, एक से लेके बीपीएस 15 तक की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इदारे खुद करते हैं। इससे आगे जो ये सिविल सर्वेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एएसएफ बेसिकली सिविल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो यूनिफॉर्म डालते हैं लेकिन है सिविल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल ऑर्गेनाइजेशन में एक से लेकर 15 तक के अपॉइंटमेंट्स इदारे खुद करते हैं, 16, 17 और 18 की जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एफपीएससी के थ्रू होती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अब इसका स्केल 16 होता है, इंस्पेक्टर की जॉब होती है, तीन फूल लगे होते हैं। अब एक्चुअल जब एफपीएससी में हर साल इसकी अनाउंसमेंट होती है, साल में दो दफ़ा होती है, जॉब अनाउंस होती है, आप उसका 500 रुपये का चलान पे करते हैं, एफपीएससी का 300 रुपये का आप चलान पे करते हैं, करके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं बैंक में, पे करने के बाद ऑनलाइन जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। होने के बाद अब आपके पास जो आपने फीस पे की थी वो वाली पर्ची, जब आपका टेस्ट होगा उस वक्त वो पर्ची अपनी संभाल कर रखनी, क्योंकि उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी टेस्ट डेट अनाउंस की जाएगी, टेस्ट पे आपने वहाँ पे पहुँच जाना है, टेस्ट देना है। टेस्ट तकरीबन दो तरह के इनके होते हैं, एक बेसिकली इनका मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है, वो स्टार्ट में आपसे पेपर लिया जाएगा। सेकंड, कुछ टाइम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें सवाल जवाब होते हैं जो थोड़े से लॉन्ग लिखने होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये दो पेपर आपने देने होते हैं जब आपकी सिलेक्शन, इसी तरह जब आप फाइनल शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। होने के बाद अब आप एफपीएससी के पैनल से, जैसे ही इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस, एफपीएससी अपने पैनल से निकाल के आपको एएसएफ के पास भेज देता है। वहाँ पे आपके मेडिकल होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं, जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कद इतना चाहिए, आई साइड इतनी चाहिए, फ्लाइंग इतनी चाहिए, वो सारे आपके प्रोसेस एएसएफ करेगा। जब एएसएफ करने के बाद फिर आपके वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल होंगे। होने के बाद आपको इनिशियल लेटर दे दिए जाएंगे कि अब आप फाइनल भर्ती हो चुके हैं और आपने ट्रेनिंग के लिए एएसएफ एकेडमी में आना है। सेम लाइक जैसे एएसआई और सीपीएल का होता है, इसी तरह आपका प्रोसेस भी होगा। आपने एएसएफ एकेडमी में आना है, वहाँ पे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करवाए जाएंगे, जो भी इनका फर्दर प्रोसेस होता है। जैसे ही आप अपॉइंटेड हो जाएंगे, आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। अब बेसिकली जो इंस्पेक्टर होता है, इसको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाता है और इसकी जॉब क्या होती है। सबसे पहले इंस्पेक्टर एक ऑफिसर रैंक होता है, ये एक कंपनी में, इनके पास बेसिकली जो एएसएफ में ज़्यादातर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, इसको कमांडर की पोस्ट पर रखा जाता है। मीन्स कि अगर एक कैंप बना हुआ है, एएसएफ का कैंप है, एएसएफ कैंप में अगर एक इंस्पेक्टर को ड्यूटी देते हैं तो उसको कैंप कमांडर कहा जाता है, एक चीज़। दूसरा, इसको मेस पे लगाया जाता है, मेस कमांडर होता है। कंपनी के अंदर अगर इसको डाला जाता है तो ये कंपनी कमांडर होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर को भी ये पोस्ट दी जाती है और इसको भी यही रैंक दिया जाता है, मतलब अगर कंपनी लीड कर रहा है तो कंपनी कमांडर होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी में ये खाली एक हो, जब अगर असिस्टेंट डायरेक्टर इनके इंचार्ज है तो हो सकता है ये 2 से 3 इंस्पेक्टर भी एक जगह पे हो सकते हैं। इसी तरह एडमिन डिपार्टमेंट में लगाया जाता है, एचआर में लगाया जाता है, प्रमोशन ट्रांसफर में लगाया जाता है। इट मीन्स के पाकिस्तान एएसएफ के अंदर 150 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, ताकि हाउस जो इनकी एएसएफ फाउंडेशन बनी हुई है वहाँ भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये बेसिकली इसकी जॉब थी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स पे खड़े होते हैं, पूरा जैसे एक बरामदा है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे ड्यूटी पे खड़े होंगे, वहाँ पे एक सेक्टर कमांडर होता है। सेक्टर कमांडर मीन्स के जो उस पूरा एक एरिया मार्क किया गया है उसकी जो निगरानी कर रहा होता है, वो एक सेक्टर कमांडर उसको बनाया जाता है। इसके अलावा पूरा जो एयरपोर्ट का रनवे होता है, रनवे पे जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है, चेक पोस्टें बनी होती हैं, उनका भी एक सेक्टर कमांडर इंस्पेक्टर होता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर को
एक पिस्टल अलाउ होता है, मतलब वो जब भी ड्यूटी पे होगा उसने गन नहीं उठानी होती, एक पिस्टल होता है और एक वायरलेस सेट होता है उसके पास। तो बेसिकली उसमें सारी कम्युनिकेशन करती होनी होती है डाउनवर्ड और अपरवर्ड। तो ये इसकी जॉब थी। अब इसको इसकी जो ट्रांसफ़र होती है वो पूरे पाकिस्तान में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये नहीं कह सकता कि मैंने इस जगह नहीं जाना। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट्स इनकी होती है होम सिटी के जो तीन स्टेशन होते हैं जो ये शुरू में मार करते हैं वहाँ की जाती है, जैसे फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर है, तो तीनों जगहों में से किसी एक पे वो कर देते हैं। इसके अलावा हर 5 साल के बाद इनकी अगले नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यही सेम इनका सर्विस का सिनेरियो चलता रहा। बेनिफिट्स में इसको घर की सहूलत होगी। आप ये मतलब जैसे बाहर हायरिंग की ऑप्शन होती है, तकरीबन इस वक्त इंस्पेक्टर को 27,000 पे हायरिंग अलाउ होती है। वो 27,000 पे का पाकिस्तान के किसी भी सिटी में अपना घर अपने नाम पे करवा सकता है। तो उसका रेंट ASF पे करेगी। सेकंड, इसको जो मतलब कंपनी कमांडर जैसे होते हैं इनको पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती है ASF में। उसके अलावा इनका मेडिकल होता है, मेडिकल जना हॉस्पिटल है, जैसे कराची में, लाहौर में शेख जायद है हॉस्पिटल, इसी तरह जहाँ जहाँ जो जो इलाके में सिविल हॉस्पिटल होते हैं उसमें इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो एक CPL और ASI को सहूलत होती है वो सारी सहूलतें इनको भी सेम लाइक होती है, लेकिन सिर्फ इनको थोड़ा सा एक ऑफिसर कैटेगरी की वजह से इनको ये एडवांटेज होता है कि ये जो ASI और CPL है इनकी बैरकें बनी होती हैं, ये बैरकों में रहते हैं, इनको सेपरेट रूम दिया जाता है। क्या किया जाता है, इनको सेपरेट रूम दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं ASF के अंदर, सब इंस्पेक्टर ASI और CPL ये तीनों एक ही मेस से खाना खाते हैं। जो इंस्पेक्टर होता है उसके मेस सेपरेट हो जाते हैं, वो ऑफिसर कैटेगरी में चला जाता है, उसका मेस भी सेपरेट होता है। इसी तरह जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके मेस सेपरेट होते हैं, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर को बकायदा कमरा भी अलग होता है, उसको AC भी अलाउ होता है, इनको AC अलाउ नहीं होता। तो इसके अलावा बाकी इनकी जॉब अच्छी होती है, रिस्पेक्टेड जॉब है। इसके बाद इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर भी सेम लाइक होता है, जैसे एक ASI ऊपर आता है इसी तरह इंस्पेक्टर भी जाता है। इंस्पेक्टर जैसे ही 5 से 8 साल के बाद ये प्रमोट होते हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं, ऑनवर्ड इनका एक सिनेरियो चलता जाता है। तो ये इनके एक ऑप्शन थे, ये जॉब का सिनेरियो था। अब इसकी अगर सैलरी की हम बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो इंस्पेक्टर ASF है इसकी स्टार्टिंग सैलरी इस वक्त तकरीबन 56,000 से स्टार्ट होती है। कितनी सैलरी होती है, 56,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी, और ऑनवर्ड आगे जैसे जैसे रैंक प्रमोशन होगा सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो बाकी इसको अलावा इनके ATS के कोर्स होते हैं, कमांडो के कोर्स होते हैं, आर्मी के साथ इनको भेजा जाता है, रेंजर्स के साथ इनको डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ से ये लोग कोर्सेज करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वक्तन फ़क्तन इनको करवाए जाते हैं। इसके अलावा इनको एक बाहर से भी कोर्स करवाया जाता है, जो इंस्पेक्टर्स मशीनों को डील करते हैं, जो एयरपोर्ट्स के ऊपर मशीनें लगी होती हैं उसके कोर्स सारे बाहर से करवाते होते हैं। तो जैसे कोई भी आपका वो नए सेट्स आए हैं, नई मशीन्स आई हैं, नए थ्रू वॉक थ्रू गेट्स आए हैं, उसके स्कैनिंग मशीनें आई हैं, तो उसके कोर्सेज भी सारे बाहर से होते हैं, तो इनको वहाँ भी भेजा जाता है। इसके अलावा इनकी जॉब आसान होती है एज़ कम्पेयर टू CPL और ASI। सबसे ASF में मुश्किल जॉब ASI की होती है, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट आसान होती है। तो ये इंस्पेक्टर की जॉब बहुत VIP जॉब होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, नॉर्मल होती है। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे होती है और उससे नीचे ASI पे होती हैं। तो ये दो जो पोस्टें हैं ये सबसे ज़्यादा काम करती हैं, बाकी जो दरमियान वाली पोस्टें हैं वो सारी तकरीबन ऑलमोस्ट काम ही काम करती हैं। तो ये जॉब का सिनेरियो था। इसमें अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, वो मुझे बिना झिझक मैसेज करें, मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है इंशाल्लाह वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे होगी, और ASF एयरफोर्स की पूरी एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट पैटर्न पेपर्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पे शेयर करूँगा, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फेज शुरू होने वाला है, उस पर भी इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़क्तन वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।